स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल, लेकर हाजिर हूं हिंदुस्तान का सवाल और कहूंगी बार बार देश को जवाब दो। बंगाल से लाल सलाम तो खत्म हुआ लेकिन वहां की राजनीति का रंग भी अभी भी लाल है। राजनीतिक के साथ साथ नंदीग्राम की सड़क का रंग भी अब तक लाल है क्योंकि वहां विकास की सफेदी ममता दीदी पहुंचा नहीं पाई। 2007 में जिस जमीन को दीदी ने अपनी राजनीति का आधार बनाया, आज उसी को पाने के लिए उन्हें पद यात्रा करनी पड़ रही है, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्यों दीदी देश को जवाब दो। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नंदीग्राम को उसका अधिकार क्यों नहीं दिया? क्यों नंदीग्राम केवल सियासी केंद्र बनकर रह गया? क्यों नंदीग्राम आपको बाहरी ना कहे, बता दो आप। देश जवाब मांग रहा है। शुभेंदु अधिकारी के समर्थक आपको नंदीग्राम में बाहरी बता रहे हैं, आपके हारने की घोषणा कर रहे हैं, आपके ऊपर तुष्टिकरण और हिंसा वाली राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, आप पर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का दोष लगा रहे हैं। क्यों ममता दीदी देश को जवाब दो। बंगाल में किसका सम्मान बचेगा ये इस बार नंदीग्राम को तय करना है, तो वो क्यों ममता दीदी का साथ दे। देश को जवाब दो ममता दीदी, क्या इस बार नंदीग्राम हो जाएगा ममता दीदी की पार्टी का काम तमाम? देश को जवाब दो। इसी मुद्दे पर आज मांगूंगी जवाब, लेकिन सबसे पहले सवाल जान लीजिए, नंदीग्राम में ममता दीदी को बाहरी क्यों कहा जा रहा है? चक्रव्यूह में ममता दीदी क्या घिर चुकी है बीजेपी के चक्रव्यूह में, क्योंकि बीजेपी ने यही दाव अपनाया है। क्या नंदीग्राम से इस बार ममता दीदी की हार तय है? देश को जवाब दो कि नंदीग्राम में ममता दीदी को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या नंदीग्राम का ममता ने केवल सियासी इस्तेमाल किया? ये जवाब बेहद जरूरी है और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि नंदीग्राम, आपको याद होगा, दो ही ऐसी जगह थी बंगाल में जिसे लोगों ने याद रखा, नंदीग्राम और सिंगूर। दोनों जगह से इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। सिंगूर से रविंद्र भट्टाचार्य ममता के साथ ही उनका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। नंदीग्राम वो जगह जहां एक बड़ा बवंडर खेला गया। लेफ्ट की सरकार को गिराने के लिए दीदी ने अपनी राजनीतिक धुरी जिसे बनाया, आज 11 साल के बाद वापस वहां जाकर पूछ रही है कि मुझे बुलाओ, मुझे बेटी बनाओ। क्यों आपको पदयात्रा करने की जरूरत पड़ रही है जब आप कह रही हैं कि मेरा संघर्ष वहां से शुरू हुआ था? इसी पर जवाब मांगूंगी। सवाल बहुत सारे हैं, मेहमानों से मिलवाऊं, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। আপনারা বাংলা দিন আর নন্দীগ্রামে মাননীয়াকে আমি হারাবই। दीदी क्षमता आ जाएगा, परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो भी सकता है। 100% हम लोग लगता है दादा जीतेगा, बीजेपी आएगा ये जाएगा। बंग की जंग में भीषण संग्राम, जीत हार तय करेगा नंदीग्राम। देश में यही हवा चल रहा है, बीजेपी का हवा चल रहा है, हम लोग चाहेंगे कि देश में बीजेपी आए। दीदी को हारना है इसलिए छोड़ दी भवानी, दीदी को हारना इसलिए एकदम परिवर्तन होगा ही। दीदी क्षमता आ जाएगा, बीजेपी आएगा ये जाएगा। नंदीग्राम में किसे चुनेगी जनता, भूमि पुत्र शुभेंदु या बाहरी दीदी ममता? दादा तो 100% हम लोग लगता है दादा जीतेगा, क्योंकि वो भूमि पुत्र है, हम लोग भूमि पुत्र जाता है। ममता बनर्जी बहिरागत है, उनको कलकत्ता में उनका रहना चाहिए। नंदीग्राम की जनता वो अपना भूमि पुत्र को चाहता है। 2007 में लेफ्ट सरकार उखाड़ने के लिए जिस नंदीग्राम की जमीन ममता दीदी ने तैयार की, आज उसी के लिए वो पराई हो गई। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को भूमि पुत्र और ममता दीदी को बाहरी बताया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं पोस्टर बांग्ला भाषा में, इस पर क्या लिखा है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। नंदीग्राम मेदिनीपुर भूमि पुत्रों के चाय बहिरागत के नॉय, जिसका मतलब है कि जो नंदीग्राम मेदिनीपुर का भूमि पुत्र है उन्हीं को वोट देना है और उन्हीं को जिताना है और बहिरागतों को नहीं, जिसका मतलब है जो बाहरी है उसको नहीं। बीजेपी का ऑपरेशन नंदीग्राम से बौखलाई ममता दीदी के लिए नंदीग्राम नाक की लड़ाई बन चुका है। खुद दीदी और बीजेपी अच्छी तरह से जानते हैं कि नंदीग्राम की जीत और हार पूरे बंगाल के सियासी समीकरण को बदल देगा, तभी तो पीएम मोदी शुभेंदु अधिकारी के लिए रैली कर सकते हैं। तो ममता दीदी पद यात्रा कर शक्ति प्रदर्शन कर रही है। क्यों क्यों बोले बेड़ाचेन आमी ना कि बाइडेल लोग, आमी बांग्लार लोग बाइडेल लोग होए गेलाम भाई, आ तुमी दिल्लीर लोग बाइडेल लोग होले ना।
नंदीग्राम की सियासी लड़ाई मान और सम्मान की हो चुकी है, लेकिन बीजेपी को बंगाल में बाहरी बताने वाली दीदी खुद नंदीग्राम में बाहरी बन गई हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नंदीग्राम में दीदी का काम तमाम? देश को जवाब दे। जब पहली लिस्ट जारी हुई बीजेपी की तो सबसे दिलचस्प और रोचक ये हुआ कि उसी नंदीग्राम के रण में दीदी के सामने दादा को खड़ा कर दिया गया। वही दादा जो नंदीग्राम में कभी दीदी के लिए जगह बनाते थे, वही दादा जिन्होंने अपनी मेहनत से दीदी के लिए जगह तैयार की और दीदी को सत्ता तक पहुंचाया, वही नंदीग्राम जहां टीएमसी को 2016 में 60% वोट मिला और लोकसभा में भी अच्छे प्रदर्शन के लिए जानी जाती रही, वही नंदीग्राम जिसने एक बड़ा संघर्ष देखा और अपनी पहचान हमेशा उस पर रखी, वही नंदीग्राम जहां टीएमसी हमेशा एक अपने कैडर को जहां 30-40% में मुसलमान और दलित जो उनका वोटिंग कैडर माना जाता था रहा, आज उसी नंदीग्राम में फिर से जाकर दीदी को खड़ा होना पड़ रहा है और उस कैडर के लिए फिर पद यात्रा करनी पड़ रही है। क्यों? 10 साल की सत्ता के बाद, मुख्यमंत्री रहने के बाद, क्या अपने काम पर भरोसा नहीं? बहुत सारे मेहमान जुड़ रहे ग्राउंड से, मेरे सहयोगी लगातार बंगाल की इस कवरेज पर जमीनी स्थिति आपको दिखाएंगे। आपको मिलवाती हूं उससे पहले मेरे साथ जो स्टूडियो में लोग मौजूद हैं उनसे मिलवा देती हूं। आज मेरे साथ गुरुप्रकाश, प्रवक्ता बीजेपी से रहेंगे आपसे कुछ देर में, मेरे साथ ऋषि मिश्रा जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक और सर्वो कमल दत्ता राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए, श्वेता भट्टाचार्य नंदीग्राम से मेरे साथ जुड़ी हुई है, माफ कीजिएगा कोलकाता से मेरे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, आपके पास सबसे पहले आ रही हूं। नंदीग्राम की स्थिति तो वैसी हो गई, दो ही सीटें ऐसी थी जिनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती थी, जहां के आंदोलन को आज भी याद रखा जाता है, वो सिंगूर का किसान हो या नंदीग्राम का जमीन। लेकिन जब नंदीग्राम पर दीदी वर्सेस दादा हुआ तो ऐसा लग रहा है कि चक्रव्यूह में घिर गई ममता दीदी। बिल्कुल सही कहा माधुरी आपने, एक चक्रव्यूह तो यहाँ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो सेनापति कल तक टीएमसी के लिए झंडा बुलंद कर रहा था, अब वो खुद बीजेपी के साइड से खड़े हो चुके हैं, इसलिए ये चक्रव्यूह अब ऐसा बना है कि टीएमसी को यहाँ पर ममता बनर्जी को उतारना पड़ा है। खुद चक्रव्यूह कैसे तोड़ेंगी ममता बनर्जी, क्योंकि आज रैली में दूर दूर से पूर्वी मेदिनीपुर से भीड़ को बुलाया गया था, पूर्वी मेदिनीपुर से लोग जो है वो आए थे। और सबसे मजेदार बात माधुरी, जब खुद को हिंदू बताते हुए ममता बनर्जी तमाम श्लोक पढ़ रही थी, चंडी पाठ कर रही थी, शक्ति पाठ कर रही थी, सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वार साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, न जाने कितने गीता के श्लोक भी उन्होंने कह डाले और एक सुर में वो बोल रही थी, लेकिन ताली एक भी नहीं बज रही थी उस वक्त, ताली एक भी नहीं बजी, क्योंकि वो वहां पर आबादी जो है वो समझना होगा, 30% मुस्लिम वो आबादी वहां पर मौजूद थी, और यही वजह है जब खेला होबे दीदी ने बोला तो तालियां बजी, लेकिन जब वो खुद को हिंदू बताते हुए हिंदू जो हिंदुओं के जो समुदाय है उसको लेकर जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, वो वहां पर ताली नहीं, वो गूंज सुनाई नहीं दी। हाँ, जब उन्होंने खेला होबे बोला, जब उन्होंने बाहरी बताया बीजेपी को और खुद को घर का बताया, और उन्होंने कहा, उन्होंने यहाँ पर शुभेंदु को लेकर जब कटाक्ष किया कि तुम पूर्वी मेदिनीपुर के और मैं बीरभूम की और मैं ही बाहरी हो गई, तब तालियां जरूर बजी, लेकिन जब खुद को हिंदू बताते हुए तमाम वो चंडी पाठ शक्ति पाठ कर रही थी तब तालियां नहीं बज रही थी, यानी चक्रव्यूह में घिर गई है। यहाँ जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, ममता बनर्जी उतरी क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि 30% जो मुस्लिम आबादी वो टीएमसी को वोट करती है, और यहाँ पर वो खड़ी होंगी तो हिंदू वोटर तो यूं ही आएंगे दीदी के आंदोलन को देखते हुए, लेकिन अब ये भारी पड़ने वाला है, क्योंकि लोग दबे स्वर में जरूर कह रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है, इक्वेशन बहुत ही यहाँ पर मजेदार होने वाला है, क्योंकि साइलेंट वोटर वही डिसाइड कर रहा है कि साइलेंट वोटर से ज्यादा, समझिए ना, 30% चाहे उसमें मुस्लिम हो, 70% तो वहां हिंदू है। सर्वो कमल दत्ता मेरे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विशेषज्ञ, अगर आप नंदीग्राम को ही समझ लीजिए, ये वही जमीन है जिसने दीदी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया है, ये वही जमीन है जहां शुभेंदु अधिकारी का परिवार दबदबा रखता है, ये वही जमीन है जहां शुभेंदु के राजनीतिक जमीन जो तैयार उन्होंने की उसके आधार पर ममता दीदी आज मुख्यमंत्री बनकर बैठी है। कैसे पॉसिबल होगा कि वही दादा अब दीदी के सामने है? कहीं ना कहीं